जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, द घोस्ट ऑफ प्रिजन भाग दो। अब तक आपने सुना बिनंबर की जेल में कैदी रहस्यमय तरीके से मरते जा रहे थे। जेलर का कहना था कोई आता है और टाइट सिक्योरिटी के बावजूद अंदर चला जाता है। वो कैदियों से बातें करता है और उन्हें मर जाने को कहता है। जब कई कैदी मौत के घाट उतरने लगे तब डिटेक्टिव बुमरा को बुलाया जाता है। जेलर अपने साथी समर को सैम और बुमरा से मिलवाते हैं। अब आगे की कहानी। जेलर के जाते ही समर ने भी आज्ञा मांगी, आपको मेरी कोई जरूरत हो तो मैं अंदर के सबसे पहले कैबिन में ही मिलूंगा। गार्ड्स को आपके बारे में बता दिया है तो आप अंदर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समय था रहस्यों के बीच गोते लगाने का। आओ पहले हम बाहर ही बाहर घूमकर इस जेल को अच्छे से देखेंगे। अरे पर बाहर से क्यों, पहले अंदर से क्यों नहीं? अब बाहर खड़े हैं तो बाहर ही देख लें पहले। डिटेक्टिव की आंखें अब जेल की दीवारों पर थी। रात और ठंड की दोस्ती आज गहरा सी गई। तापमान धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और शरीर रह रहकर कांप उठता। अरे लगता है मैंने हल्का जैकेट ले लिया यार, उंगलियां भी अकड़ रही हैं, ठंड कुछ ज्यादा ही है। सैम ने दोनों हाथों को जैकेट की जेब में डाल लिया। डिटेक्टिव जेल के बाहरी हिस्से को बारीकी से देख रहे थे। हमें हर हिस्से की जांच करनी होगी, ये पक्का कर लेना होगा कि कहीं से अंदर का कोई रास्ता तो नहीं। बुमरा और सैम ने पैदल ही जांच शुरू कर दी। टॉर्च देना। अचानक बुमरा एक जगह रुक गए। ये लोग क्या हुआ, कुछ नजर आया? सैम ने पूछा। ये यहां देखो, यहां की दीवार तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? जैसे रंग उड़ सा गया हो या फिर यह हिस्सा कुछ ज्यादा ही पुराना बना हो। हां है तो, पर ठोस तो लग रही है। सैम ने दीवार को हाथों से टटोलकर महसूस किया। नहीं वो बात नहीं, जैसे इस हिस्से को जानबूझकर ऐसा रखा गया है। बाकी हिस्से को देखो, वो बेहतर है, सिर्फ यही हिस्सा अलग मालूम होता है। डिटेक्टिव ने करीब जा दीवार पर अपने कान चिपका लिए। आंखें बंद किए वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर वो उसी अवस्था में खड़े रहे, फिर अचानक हड़बड़ी में पीछे की ओर आ गए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो आश्चर्यचकित कर देने वाला हो। बिना देरी के उन्होंने अपनी जेब से एक मार्कर बाहर निकाला और ठीक उसी जगह पर निशान बना दिया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? सैम ने टॉर्च की रोशनी निशान की ओर कर दी। मेरा मानना है दीवार का हिस्सा कुछ अजीब है, इसकी जांच फिर करेंगे। फिलहाल हमें डॉक्टर शेखावत से मिलना चाहिए। अरे तो अब हम क्रिमेशन ग्राउंड जाएंगे। अरे उनको यही बुला लेना चाहिए ना, मेरी दादी कहती थी जहां मरे हुए लोगों को जलाया जाता है उस जगह रात को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जाने कौन चिपट जाए और लिपट कर हमारे साथ घर लौट आए। फिर शरीर एक आत्मा का नहीं दो आत्मा का हो जाता है। सैम की जानकारियां सुनने में थोड़ी अजीब तो लगती थी, लेकिन डिटेक्टिव उन पर ध्यान कम ही देते थे। डॉक्टर ने कहा है वो हमें कुछ दिखाना चाहते हैं, इसलिए वहां बुलाया है। चलो यहां से सीधे चलना है, हम वहीं पहुंच जाएंगे। बुमरा ने उस ओर चलना शुरू कर दिया जिस ओर क्रिमेशन ग्राउंड था। सैम ने भी जल्दबाजी में चारों ओर देखा और अपने कदम बढ़ा लिए। वो जानता था आज की रात कुछ भयानक होने वाला है, और हो भी क्यों ना, केस एक ऐसे व्यक्ति का था जिससे जो मिला वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। थोड़ी देर में डिटेक्टिव और सैम वहां पहुंच गए। डॉक्टर जली हुई लाश की राख के बीच कुछ खोज रहे थे। कभी वो एक छोटी सी मशीन से राख को स्कैन करते, कभी मैग्नीफाइंग लेंस से जांच करने लगते। लो एक दीवार छान रहा है और दूसरा राख, खजाना है क्या अंदर डॉक्टर, जिसे आप ढूंढ रहे हैं? सैम की आवाज ने डॉक्टर का ध्यान खींच लिया। ओ आ गए तुम दोनों,
मुझे लगा जो मुझे यहां मिला उसका इस केस से कोई लेना देना तो है। डॉक्टर शेखावत खड़े हो गए। हेलो डॉक्टर, क्या मिला आपको? डिटेक्टिव ने पूछा। मरने वाले की बॉडी में शायद कोई मेटल था, उसके कण एशेज में मिले हैं। अब जानना यह है कि यह मेटल हर मृतक की बॉडी में पाया गया या फिर सिर्फ इस बॉडी में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखनी होगी, पर इसने मेरा ध्यान नहीं खींचा। धुआं देख रहे हैं आप जो रात से निकल रहा है? इसमें एक अजीब स्मेल है जो नहीं होनी चाहिए। पर यह भी अजीब बात है, इंसानी शरीर के जलने के बाद इस तरह की स्मेल आनी नहीं चाहिए। डॉक्टर हैरान थे। तो हो सकता है मेटल की वजह से हो। सैम राख के करीब आकर हवा को हल्के से सूंघने लगा। नहीं, मैंने आज तक ऐसा न देखा है ना सुना है। अजीब बात है, जब बॉडी को यहां लाया गया तो बाकी लोगों को घुटन सी महसूस होने लगी, जैसे ऑक्सीजन का लेवल उनके आसपास घट सा गया हो। खैर आप बताइए, दीवार में आपको क्या मिला? सैम को दिक्कत हो रही है। अरे मुझे दिक्कत क्यों होगी? डिटेक्टिव का काम डिटेक्टिव की तरह करो ना। तुम्हें राख से फुर्सत नहीं और इनको पुरानी दीवारों की आवाज सुननी है। सैम ने आओ देखा ना ताओ अपनी भड़ास निकाल दी। अब वो भी तो डिटेक्टिव ही है ना, कोई उससे भी तो पूछे उसका क्या मानना है। दीवार के भीतर ऐसा लगा मानो पानी बह रहा हो, पर दीवार में सीपेज का कोई प्रूफ नहीं है। चौंका देने वाली बात थी। कल एक बार दोबारा जांच करनी होगी। वैसे मेटल है क्या और इस स्मेल का क्या मतलब है? बुमरा उलझन में पड़ गए। अभी तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, पर हमें एक कैदी से जरूर मिलना चाहिए। उसका कहना है उसने कल रात ही उस मिस्ट्री मैन से बात की, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की? बुमरा मानो पूरी तरह तैयार थे। जेल के अंदर समर ने उनका साथ दिया। आइए, इस हिस्से के आगे हम सबको सजग रहना होगा। वो क्या है, कुछ कैदी अचानक अटैक कर देते हैं, तो मेंटेन डिस्टेंस और दीवारों से दूर रहिएगा। सैम ने जैसी ये बात सुनी खुद को बीचों बीच कर लिया। यहां हमेशा इतना ही अंधेरा रहता है? डिटेक्टिव की नजरें जेल को अंदर से टटोल रही थी। जी अभी तो फिर भी रोशनी है, हम रात को ये लाइट्स भी बंद कर देते हैं। आइए, ये सामने वाले सेल में कृतक है जिसे आपको मिलवाना था। अंदर से किसी के कराने की आवाज आ रही थी। पिछले 3 दिनों से सोया नहीं है, खाने के लिए सिर्फ प्याज मांगता है, रोटी पूरी तरह से छोड़ दी है, पानी भी सिर्फ 2 बार पीता है। इसी का कहना है ये उससे मिल चुका है। सेल के अंदर भयानक अंधेरा पसरा था, कुछ भी देख पाना मुश्किल था। समर ने अपने डंडे को जोर से गेट पर मारा। कृतक, देख तुझे कोई बचाने आया है। तभी अंधेरे से निकलता एक सर सलाखों के करीब आ गया। बड़ी लाल आंखें, सूखे फटे होंठ, कांपती उंगलियां और पीला हो चला शरीर, शायद ही उसमें जान बची थी। सैम के कदम पीछे को हो गए। अरे इसके अंदर तो भूत है, सैम बुदबुदाया। कृतक ने बुमरा को घूरा। मुझे बचना तो है ही नहीं, मुझे मरना है। तेरी जरूरत नहीं, वो भी मेरा परमेश्वर है। मेरे प्राण अब उसके हैं, मेरी मुक्ति अब सिर्फ उसके हाथों में है। बाधा मत डाल वरना चीर कर रख दूंगा। तुम सब उसके सामने चींटी की तरह हो। अचानक वो हंसने लगा। दर्द में उसकी हंसी किसी को भी अंदर तक हिला सकती थी। तो वो तुम्हें आज लेने आएगा। वो परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा ब्रह्म है। तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। डिटेक्टिव अब खेल में शामिल हो गए। अज्ञानी है तू, मुझे पता है। हाँ, मैं भी तेरी तरह ही था पहले, पर अब मैंने सच को जान लिया है। वो मुझे कल लेने आएगा और इस नर्क से आजादी दिलाएगा। मेरी आंखें बंद तो हो जाएंगी, पर फिर भी मैं सब कुछ देख सकूंगा।
सांसें रुक तो जाएंगी, फिर भी मेरा शरीर जी उठेगा। लौट जा, जा। अचानक कृतक चुप हो गया और एक तरफ देखने लगा। सबने उस ओर देखा जिस ओर वो देख रहा था। उस तरफ एक परछाई खड़ी थी जिसके कंधे अजीब थे, पीठ बाहर को थी और लंबाई आम इंसानों से ऊंची। वो रह रहकर दीवार को अपने हाथों से सहला रहा था। बूमरा, सैम और डॉक्टर कभी उस आकृति को देखते, कभी एक दूसरे की ओर। क्या डिटेक्टिव बूमरा, डॉक्टर शेखावत और सैम कैदी को बचा पाएंगे? क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी द घोस्ट ऑफ प्रिजन भाग दो में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।